हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैनाल सर्चिंग के बारे में। जो रूट कैनाल में हम कैनाल सर्च करते हैं उसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है तो हमें आसानी होगी कैनाल सर्च करने में। इसमें वीडियोस के लिए आप लोगों ने बोला था, जब कैनाल सर्च नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। एक छोटा सा क्लिप मुझे मिला, इसको आप देखिए पहले। तो ऐसा ही कुछ रिएक्शन होता है जब कैनाल हमें नहीं मिलती है। ऐसा ही मैंने दिखाया आपको जस्ट। तो यही बात हम करेंगे कि कैनाल सर्च करने के लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा हम थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे, जो क्लिनिकली ऑब्जर्व मैंने किया है वही मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, हमें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जो टूथ मॉर्फोलॉजी है हमें वो पता होनी चाहिए, जो कैनाल एनाटॉमी है वो हमें पता होनी चाहिए। जिस भी टूथ का हम कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कैसा होता है, कैसी कैनाल एनाटॉमी होती है, कितनी कैनाल्स होती हैं, ये सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। भले हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है, नहीं सीखा है, लेकिन हमें पता हो कि इसमें क्या होता है, हम कैसे इसको एक्सेस ओपनिंग करते हैं, BMP कैसे करते हैं, ऑब्चुरेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, आपको इसको समझना है। सपोज़ कोई हमारी एक रेस है जो एक साल बाद है, तो हम डायरेक्ट उस रेस वाले दिन में परफॉर्म नहीं करेंगे, उसकी हम एक साल तैयारी करेंगे। वैसे ही जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, रूट कैनाल प्रोसीजर है या फिर कोई भी प्रोसीजर है, उसको करने से पहले हमें उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बारे में हमें सीखना है। वीडियोस देखिए, अपने नोट्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, आप नॉलेज अपना गैदर करिए और उसके बाद एक्सट्रैक्टेड टूथ में परफॉर्म करिए, उसके बाद आप पेशेंट में जाइए, तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपको करने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि आपको RCT के बारे में थ्योरेटिकली पता होना चाहिए और जो टूथ मॉर्फोलॉजी है, कैनाल एनाटॉमी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्व दी रेडियोग्राफ। जो रेडियोग्राफ हमने लिया है, जो एक्सरे हमने लिया है RCT करने के पहले, उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अच्छे से उसको समझना है। जनरली होता है, हमने एक्सरे ले लिया, देख लिया, हमने समझ लिया कि ये टूथ RCT जाएगा, हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, पहले आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। जैसा पहले पॉइंट में हमने बात की, आपको नॉर्मल एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी सब पता है, तो हर पर्सन में इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो रेडियोग्राफ से आपको क्या फ़ायदा रहेगा, आपको टूथ की मॉर्फोलॉजी पता चल जाएगी, जो पल्प चेंबर है उसका लोकेशन पता चल जाएगा, कैनाल्स के बारे में पता चल जाएगा, जो लेंथ है रूट कैनाल्स की, जो लेंथ है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। साथ ही साथ में अगर कोई कैल्सिफाइड कैनाल है उसके बारे में भी आप रेडियोग्राफ को देख के समझ सकते हैं। और पोजीशन, जो आपको बर को कैसे एंटर करना है, कहाँ तक आपको एक्सेस ओपनिंग करनी है, ये सारी बातें आपको उस एक्सरे से पता लग जाएगी। तो ऑलवेज ऑब्जर्व दी रेडियोग्राफ फर्स्ट, रेडियोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज यूज़ गुड इंस्ट्रूमेंट। जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं, अभी हम RCT की बात कर रहे हैं, तो जो बर्स आप यूज़ करेंगे एक्सेस ओपनिंग के लिए, अच्छे बर्स यूज़ करना है। जो कैनाल सर्च करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। कैनाल सर्च करने के लिए एंडो एक्सप्लोरर का आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप अच्छे से एक्सप्लोर करके कैनाल को सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर आप फाइल्स का यूज़ कर रहे हैं, फाइल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो स्मॉल नंबर की फाइल है, 8 नंबर की, 10 नंबर की, 6 नंबर की, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हो सके तो ट्राई करिए कि हर बार कैनाल सर्च करने के लिए एटलीस्ट हम नई फाइल का यूज़ करें, तो काफ़ी आपको आसानी होगी। तो अच्छे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करिए तो अच्छे से आप कैनाल को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डू प्रॉपर एक्सेस ओपनिंग एंड क्लीन दी पल्प चेंबर। पल्प चेंबर को अच्छे से क्लीन करना है और जो एक्सेस ओपनिंग है वो अच्छे से करना है, प्रॉपर एक्सेस ओपनिंग करना है। स्टार्टिंग में जनरली ये मिस्टेक होती है कि जो एक्सेस ओपनिंग है वो हम प्रॉपर नहीं करते, कहीं ना कहीं एक परफोरेशन का डर होता है कि हम टूथ को परफोरेट ना कर जाएं, तो हम प्रॉपर एक्सेस ओपनिंग नहीं करते, डीप नहीं जाते। तो पल्प चेंबर में जैसे ही आप पहुँचे हैं, फिर आपको एनाटॉमी पता है कि कैसे आपको एक्सेस ओपनिंग करनी है, एक्सेस ओपनिंग का जो शेप है आपको पता है, उस शेप में आपको ब्रॉड करना है कैविटी को। और क्लीन करने के लिए आप स्केलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो अल्ट्रासोनिक स्केलर है उससे भी आप पल्प चेंबर को क्लीन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं तो उससे अच्छा क्लीन हो जाता है, इसके बाद हम सर्च करेंगे तो थोड़ा इजी होता है। तो सबसे पहले अच्छे से एक्सेस ओपनिंग करिए, प्रॉपर एक्सेस ओपनिंग करिए, पल्प चेंबर को अच्छे से क्लीन करिए, जितना भी पल्प है उसको आप अच्छे से क्लीन करिए, हटाइए।
नेक्स्ट है ब्लीडिंग पॉइंट्स, जो आपका पल्प चेंबर है आपने ओपन किया है उसमें आपको अगर ब्लीडिंग पॉइंट दिख रहे हैं तो वहाँ पर अपना इंस्ट्रूमेंट प्लेस करिए। जो ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं वो ही हमारी कैनाल्स होती हैं, कैनाल से ब्लीड होता है। और प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ब्लीडिंग पॉइंट दिखेगा ही, लेकिन जो हम थ्योरेटिकली बात करते हैं और ऐसा होता भी है, ब्लीडिंग पॉइंट्स दिखते हैं। अगर ब्लीडिंग पॉइंट आपको दिख रहे हैं तो वहाँ पे आप प्लेस करिए, कैनाल्स आपको वहाँ पे सर्च होंगी। अगर आपका बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं जा रहा है तो और स्मॉल नंबर का फाइल्स आप यूज़ करिए, 6 नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए ब्लीडिंग पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इरीगेशन। इरीगेशन आपको अच्छे से करना है, इरीगेशन से कैनाल्स भी क्लीन होते जाती हैं और पल्प चेंबर को आपको पहले क्लीन करना है। जैसे हमने पहले पॉइंट में बात भी की कि जैसे ही आप एक्सेस ओपनिंग करते हैं पल्प चेंबर में पहुंचते हैं तो वहां पर आप इरीगेट कर लीजिए, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद हम कैनाल्स को सर्च करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टेक रेडियोग्राफ विथ फाइल्स। फाइल्स के साथ आप रेडियोग्राफ लीजिए। अगर आपको 1 या 2 कैनाल सर्च हो गई है, बाकी कैनाल्स सर्च करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फाइल प्लेस करिए, स्मॉल नंबर की फाइल प्लेस करिए और फिर एक्सरे ले लीजिए, रेडियोग्राफ ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस कैनाल को आपने सर्च किया है और कौन सी कैनाल नहीं मिल रही है। जो आपकी फाइल प्लेस हुई है उससे आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें सर्च करनी है। जो आपने कैनाल सर्च की है उससे कितनी डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर आपको प्लेस करेंगे तो दूसरी कैनाल मिल जाएगी। तो रेडियोग्राफ लीजिए और जो कैनाल्स आपने सर्च कर ली है पहले आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। जो स्मॉल नंबर से आपने सर्च की है उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, उसके साइज़ को 15-20 तक चले जाइए, तो भी आपके लिए ढूंढने में आसानी होगी दूसरी कैनाल्स को। और जैसे हमने इरिगेशन की बात की, इरिगेशन के साथ साथ आप EDTA का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कैनाल्स नहीं मिल रही हैं, कुछ फाइन कैनाल्स हैं, तो अपने जो फाइल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप EDTA जेल लगाइए, उसके बाद आप कैनाल सर्च करिए, तो भी कैनाल सर्च करने में आपको आसानी होगी, कैनाल आप सर्च कर पाएंगे। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, अच्छे से सुनिएगा, पैनिक आपको नहीं होना है, आपको काम रहना है। एक वीडियो में और भी मैंने आपको बोला हुआ है, कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं आपको शांत रह के करना है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया, ऐसा होता है इरिटेशन थोड़ा सा कई बार हो जाता है, भले आप कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, कैनाल्स नहीं मिलती हैं कई बार। तो अपने आप को काम रखिए और प्रोसीजर को करिए। कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, RCT कर रहे हैं, बिल्कुल आपको सारा कुछ पता है, सारा कुछ आपको आता है, पढ़ा हुआ है आपने, तो बिल्कुल आप उसको कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे करके ही हम सीखते हैं, अभी भी हम सीख ही रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस कोई कैनाल आपको अगर नहीं मिल रही है तो जितनी कैनाल्स आपको मिली हैं अच्छे से आप उन्हें प्रिपेयर करिए और कैविटी को आप पैक कर दीजिए। अगर चाहें तो उसमें आप डिवाइटलाइजर का भी यूज़ कर सकते हैं, डिवाइटलाइजर डाल दीजिए और नेक्स्ट सेटिंग में आप उसको फिर ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किन टॉपिक पर और वीडियो आप देखना चाहते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अब आप इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।